अस्सलामु अलैकुम, आई एम समी एंड वेलकम इन समीज एथमेटिक एरा। तो हमने बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक का जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो देखा था। नाउ टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर, और आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर्स, और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। तो इससे जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो रियल नंबर्स की जो मैथमेटिक डेफिनेशन है हमारे पास वो है कि इट कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि रैशनल नंबर्स होते हैं एक इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो उनका यूनियन सेट यानी कि उसके दोनों को मिला दिया जाए, दोनों का कम्बिनेशन यानी कि दोनों उसके अंदर मौजूद हों तो वो बराबर होते हैं रियल नंबर्स के। यानी कि रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर्स को हम क्यू बार से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। आगे फर्दर डेफिनेशन देख लेते हैं रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। पी अपॉन क्यू क्या है? पी बेसिकली इधर डिनोमिनेटर है एंड क्यू इज इक्वल क्यू जो है वो इधर डिनोमिनेटर है। तो ऐसे नंबर जो नॉमिनेटर बन सकते हो, डिनोमिनेटर बन सकते हो, आप उसमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हो, उसको जो है हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और इसके अंदर जो क्यू है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे है हमारे पास इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। तो वो है द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यानी कि ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाएँ तो उनको हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे, सही है? यानी कि जिसमें डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हो वो रैशनल नंबर है, और जिसमें ना हो वो इरेशनल नंबर्स है। यहाँ पे फर्दर हमारे पास कुछ इजी सेट्स हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि है सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो है वो बेसिकली नंबर्स हैं जो वन से काउंटिंग स्टार्ट होती है और फिर फर्दर चलती रहती है, जो है वो स्टॉप नहीं होती अभी, तो इसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। और उसी के अंदर अगर हम ज़ीरो इंक्लूड कर देते हैं तो उसको हम कह देंगे होल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता और होल नंबर्स के अंदर ज़ीरो भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर भी नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, बट इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के जो है वो नंबर्स होते हैं और ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। तो इसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं, और क्योंकि माइनस भी है और पॉजिटिव भी है तो इसलिए हम इसको इंटीजर्स बोलेंगे। फिर इंटीजर्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल्स में आते हों या और अपने अलावा वन के टेबल में आते हों। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये वो नंबर्स हैं जो अपने टेबल्स में आते हैं और अपने टेबल्स के अलावा जो है वो सिर्फ वन के टेबल में आते हैं। तो इसी तरीके और जितने भी नंबर्स होंगे जो अपने टेबल में आते होंगे और सिर्फ वन के टेबल में आते होंगे तो उनको हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो ये कुछ सेट्स हैं, ये सारे ही जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। अब हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स के अंदर डेफिनेशन है कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। तो यहाँ पे तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो इधर जो है यहाँ पे जो सब नंबर्स हैं वो यहाँ पे नॉमिनेटर्स हैं और इनके अंदर डिनोमिनेटर में वन मौजूद है लेकिन उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इस वजह से ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और इसलिए ये रैशनल नंबर्स हैं। देन आगे हमारे पास आ जाते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। हमने रियल नंबर्स देखा कि रैशनल इरेशनल के यूनियन को कहते हैं, रैशनल और इरेशनल भी देख लिया। अब हमें देखना है कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन जो है मतलब बेसिकली फ्रैक्शन के बाद जब हम आंसर आता है हमारे पास पॉइंट्स के अंदर जो भी, तो उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन के हमारे पास टू टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। वो डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट के बाद 1, 2, 3 या 4 डिजिट मिनिमम आंसर है, उससे ज़्यादा ना आए तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और वो डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट के बाद 4 से ज़्यादा डिजिट्स आएँ उनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फर्दर आगे नॉन टर्मिनेटिंग की जो है वो टू टाइप्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जिसके अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो, जो एक ही नंबर बार बार पैटर्न से आ रही है, तो एक नंबर बार बार आ रहा हो या दो नंबर बार बार आ रहे हो या तीन नंबर बार बार आ रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो है जिसके अंदर कोई पैटर्न फॉलो ना हो रहा हो, ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, और हो भी रहा हो तो एंड तक ना हो रहा हो। ऐसा ना हो कि दो नंबर शुरू में रिपीट हो रहा हो फिर बीच में कोई और नंबर आ जाए, तो उसको भी हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलेंगे, रिकरिंग नहीं बोलेंगे। अब इसी को समझने के लिए हम आगे एक
छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें डेसिमल फ्रैक्शंस की सारी टाइप बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग की दोनों टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 5/8। तो 5/8 का जब हमने आंसर निकाला तो हमारे पास आया 0.625। तो इसके अंदर जो पॉइंट के बाद है वो तीन डिजिट हैं, तो 4 से मिनिमम है या फिर 4 नहीं है, तो इसके लिए हम इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। टर्मिनेटिंग का बेसिकली मतलब है कि 4 डिजिट से कम का आंसर है या फिर 4 डिजिट आए, मिनिमम 4 डिजिट या उससे कम, उससे ज़्यादा ना आए। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि 4 डिजिट से ज़्यादा आंसर है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर है 3.9, इसका आंसर है 0.3333, और ये 6.9 जिसका आंसर है 0.66। तो रिकर्निंग का इधर मतलब आ जाता है, रिकर्निंग का मतलब होता है रिपीट होना। तो इधर 3 बार बार रिपीट हो रहा है, उधर 6 बार बार रिपीट हो रहा है। और ऐसा नहीं कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, अगर दो नंबर ही बार बार रिपीट होंगे, 3131 ऐसा होता, या फिर 6276 6276 इस तरह भी रिपीट हो रहे होते हैं, तो उसको भी हम रिकरिंग बोलते हैं। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसीलिए हमारे पास है 2/7। तो 2/7 का हमारे पास आंसर आता है 1.714 2857 सो ऑन। तो इसके अंदर ना ही तो डिजिट कम मिनिमम आंसर है 4 डिजिट तक, ना ही इसमें कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो यानी कि जो पहली वाली टू टाइप्स हैं हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, देयर आर दीज आर कॉल्ड अ रैशनल नंबर्स। ये वाले जो नंबर्स होंगे वो रैशनल नंबर्स होंगे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे, यानी जिसके अंदर ना ही तो मिनिमम आंसर होगा ना ही कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, तो उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। और रैशनल और इरेशनल की यूनियन को हम बोलेंगे रियल नंबर्स।